हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डीएस और आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल बाय डीएस। तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि इंडियन एपी डबल ए एस एस आर एम आर 2020 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे डबल ए एस एस आर का फरवरी बैच हो या फिर आपका एम आर का अप्रैल बैच हो, दोनों के ही एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट से संबंधित एक और लेटेस्ट अपडेट आई है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ और नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ, लेकिन एक और लेटेस्ट अपडेट आई है आपके एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, और अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और आपसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करूं, आपसे कहना चाहूंगा कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट ऑन किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या नई अपडेट आई हुई है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में बता दिया है, पहले मैं दो वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं आपको, जिसमें मैंने नेवी वालों से बात करके आपको बताया था कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो लगभग कब आएगा। तो अगर डबल ए एस एस आर के एडमिट कार्ड की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, और नेवी वालों ने खुद बताया है और लाइव प्रूफ भी मैं आपको दे चुका हूं, कि इसका जो एडमिट कार्ड है आपका जनवरी के फोर्थ वीक में आएगा। ठीक है दोस्तों, जनवरी के फोर्थ वीक में आने का मैंने आपको बताया था, लेकिन एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ भी ज़्यादा कन्फर्म नहीं हुआ था। लेकिन अब एक खबर आ रही है, एक भैया है प्रिंस, उन्होंने बात की है नेवी वालों से और उन्होंने कमेंट करके बताया है कि अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो देखिए जनवरी के फोर्थ वीक में मानकर चलिए, जैसा कि नेवी ने कहा है, नहीं तो फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो लगभग आपकी 7 फरवरी तक आप लोगों तक पहुँच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 7 फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे की बात आती है कि आखिर आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ अभी जानकारी नहीं थी। तो हम आपको बता दें, ऐसा कि भैया के अकॉर्डिंग, भैया ने पूछा है और भैया को बताया गया है, तो भैया के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका लगभग मानकर चलिए 12 से 17 फरवरी के बीच में होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 फरवरी से 17 फरवरी के बीच आपको दी जाएगी, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है डबल ए और एस एस आर का वो आपका 12 से 17 फरवरी के बीच हो सकता है। एम आर से रिलेटेड अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि इसका जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होगा, लेकिन डबल ए और एस एस आर की बात करें तो 12 से 17 फरवरी 2020 के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो नेवी वाले बता चुके हैं कि आपके जनवरी की लास्ट वीक में, नहीं तो फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो यही लेटेस्ट अपडेट है, आप लोग कंफर्म हो जाइए। अगर आपको कोई बात में डाउट है, अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, अगर आप, सबसे पहले तो बात ये है कि आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि भैया ये बता दो इसका आपके पास प्रूफ क्या है। तो देखिए, कुछ चीज़ें प्रूफ से नहीं, कुछ चीज़ें कुछ अलग तरीके से पता चलती हैं। अगर आपको विश्वास होता है तो अच्छी बात है, वरना आप लोगों के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपको बता भी चुका हूँ, पहले भी आपको सुना चुका हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी के लास्ट वीक में आना है, नहीं आता है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में। और आपका जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा है, फरवरी में होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका 12 से 17 फरवरी के बीच आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। ठीक है दोस्तों, यही लेटेस्ट अपडेट है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है मन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।